कैसे हो? लॉकडाउन चल रहा है, क्या करें, बस भाई के साथ सामान लेने के लिए निकले घर का। भाई को तो जानते ही, अभी हमारी पिक्चर आई थी मरने भी दो यारों, लकीली पेंडेमिक से पहले रिलीज हो गई, तो हम लोग बाहर निकले ऐसे ही, बोला ग्रॉसरी खरीदते हैं, और तो कहीं जा नहीं सकते। यहाँ पर सामने कपिल का घर है, आप लोग जी सर मालूम, तो आप लोग वेट कर रहे हैं कि कपिल निकलते नहीं, कपिल सर हाँ कपिल सर नहीं निकलते। खतरों के खिलाड़ी भी चारों कितना फॉलो करेंगे आप, कौन से फेमस रहेगा? मेरे तो फेवरेट खतरों के खिलाड़ी रोहित शेट्टी सर, मैं तो रोहित सर के लिए देखता हूँ और हमेशा, और रोहित सर के जितने सीजन्स रहे आई थिंक बहुत माइंड ब्लोइंग रहे हैं, तो मैं एक्साइटेड हूँ। और मुझे तो पता नहीं कौन कौन गया अंदर, राहुल है, अर्जुन बिजलानी, मुझे लगता है आरती जी, भारती जी यहाँ है नहीं, लाइक शायद वो शूटिंग कर रही होंगी। निश्चित तंबोली भी गई है, अभिनव शुक्ला गए। अच्छा अच्छा अच्छा, पता नहीं वो लोग कैसे करेंगे लेकिन अर्जुन बिजलानी का तो मुझे लगता है कि सही करेगा। और बाकी रोहित सर है ना वहाँ पे, जो हमारा मेन स्टार है रोहित शेट्टी, वो तो हाँ करवा लेंगे, वो तो करवा ही लेंगे। उनका बड़ा अच्छा लगता है मुझे, वो टफ भी है, और मैंने तो उनके साथ काम किया, बोल बच्चन की थी मैंने रोहित सर के साथ, तो वो अंदर से एकदम वो नारियल वाला हिसाब है, वेरी सॉफ्ट ऑल्सो, तो उनका स्टाइल बड़ा अच्छा लगता है। खतरों के खिलाड़ी इसीलिए इतना वर्क कर रहा है। पर आप जाते तो और मज़ा आता था शो में। मैं पता नहीं, मुझे बहुत, मैं सांप केकड़े सब खा नहीं सकता हूँ, है ना, मुझे फिश करी पसंद है, सांप करी पसंद है तो इसलिए मुझे डर लगता है, तो मैं तो पता नहीं कभी कब जाऊँ। हाँ ऐसे ऐसे गेस्ट कभी रोहित सर बुलाएंगे, लास्ट टाइम में मिला था तो मुझे कह रहे थे तुम आओ, रोहित सर बुलाएंगे तो ऐसे चला जाऊंगा कभी। इसमें सर, इनमें एक सब में छोटी बच्ची है नुस्खा साहब, अच्छा 18 साल की है कम से कम, वो भी गई, उसके बारे में क्या बोलेंगे? अच्छा क्या वहाँ के टास्क कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे पता नहीं, आजकल तो छोटा पैकेट बड़ा धमाका है, हो सकता है कर दे, वो छोटी बच्ची कमाल कर दे, हो सकता है। बाकी ऑल द बेस्ट पूरी टीम को, खतरों के खिलाड़ी बड़ा अच्छा शो है, और मैं देखता भी हूँ हमेशा, तो अभी भी नए सीज़न के लिए गुड लक टू ऑल द कंटेस्टेंट्स, और मेरे फेवरेट उनको क्या गुड लक देना, हो तो हमारे सुपरस्टार। नेक्स्ट सीज़न बिग बॉस का आएगा, तो क्या आप जाना चाहेंगे उसमें? मैं बिग बॉस नहीं, मुझे पता नहीं, बिग बॉस मुझे बड़ा घबराहट होती है, अंदर डर लगता है, तो मैं तो हर साल जाता ही तो हूँ बिग बॉस में, आप मुझे देखते परफॉर्म करता हूँ। पिछले साल अभी कश्मीरा को छोड़ने गया था, फिर आरती को छोड़ने गया था, फिर मैं खुद भाई के साथ, भाई बुला लेते उधर परफॉर्म करने, तो उनके साथ परफॉर्म करता हूँ, मुझे भाई के साथ बड़ा एक मज़ा बहुत आता है। तो बिग बॉस में उस स्टेज पर जब मैं होता हूँ भाई के साथ में, तो आई थिंक दैट वन ऑफ द बेस्ट मोमेंट, तो वो मुझे, मैं मिस करता हूँ। तो हर साल भगवान करे मैं ऐसे ही जाता रहूँ ना, अंदर जाने की क्या ज़रूरत है मुझे, मैं भाई के साथ परफॉर्म करने में करके निकल जाता हूँ, फिर मैं आई एम वेरी हैप्पी। बस अभी हमारा शो शुरू होने वाला है, जल्दी हो जाएगा, बस आई थिंक जून तक, जून जुलाई तक शो भी चालू हो जाएगा, तो कपिल शर्मा शो, फिर आपको भरपूर एंटरटेनमेंट मिलेगा। कपिल भाई की तबीयत कैसी है? उनकी भी तबीयत कुछ नासाज़ थी। हाँ लेकिन कपिल अभी ठीक है, अभी ठीक है, एकदम बढ़िया है, अभी तो बेबी हो गए, बेबीज़ के साथ एंजॉय कर रहे हैं, कभी कभी मैसेज पे बात होती है, तो ही इज़ ऑल्सो एंजॉइंग विथ फैमिली, और सेफ है सब लोग। बाकी टीम, बाकी टीम भारती इधर उधर भागती रहती है वो कभी इस शो पे उस शो पे, वो भी मजा है भारती को देख के। हाँ आजकल डांस दीवाने में, भारती भी कमाल है, कमाल ही, मेरी तो बहन है भारती, और भारती हर्ष को भी देख के मुझे बड़ी खुशी होती है, वो लोग दे आर डूइंग सो वेल, हर्ष भी इज डूइंग वेरी वेल। थैंक यू, ओके मैं उतर नहीं सकता यार, उतरने का प्रॉब्लम है ना, सॉरी।